जय श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का धर्मा लाइफ पर। आज मैं एक खास चीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि उन लोगों के लिए ज्यादा स्पेशल है जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके जानने वाले का अगर जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक यानी कि पर्सनालिटी नंबर 1 होगा। अब ये मूलांक निकालते कैसे हैं ये जल्दी से मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे भी पहले एक चीज और बता दूं कि मूलांक को अंग्रेजी में पर्सनालिटी नंबर, साइकिक नंबर या ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि मूलांक कैसे निकालते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 10/6/1991 है, तो आप अगर अपने डेट को यानी 10 तारीख को जोड़ते हैं 1+0=1, ऐसे आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं। आपका मूलांक हुआ, पर्सनालिटी नंबर हुआ 1। अब मूलांक 1 जो है वो अगर लॉर्ड देखें तो इसका स्वामी जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सूर्य होता है, सन होता है। ये बहुत ही शक्तिशाली नंबर माना जाता है। अब आपको बताती हूँ कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं जो नंबर 1 वाले होते हैं। तो लीडरशिप इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, सही समय पर सही फैसला लेते हैं। राजनीतिक और प्रशासन के गुण इनमें पाए जाते हैं। मान सम्मान यश जरूर मिलता है। फ्रीडम लवर होते हैं, साथ ही सत्ता और शक्ति दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। साहसी और ऊर्जावान होते हैं। नंबर 1 वाले कर्म प्रधान होते हैं। साथ ही 1 नंबर वाले, उनके पास धन का अभाव नहीं होता, पैसे की कमी नहीं होती है। शारीरिक मेहनत नहीं, यानी फिजिकल ज्यादा मेहनत नहीं करते, दिमाग से चलते हैं, हालांकि जरूरत पड़ने पे जो है शारीरिक मेहनत भी करते हैं। इनकी 2, 3 और 9 वालों से अच्छी बनती है, तो ये तो इनकी अच्छाई हो गई। अब आपको बताते हैं मूलांक 1 वालों की कमजोरियां। तो सबसे पहले शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। कोई इनको शक्ति मिल जाती है तो उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं, गलत जो है उसको दिशा में लेकर चले जाते हैं। इसके अलावा पिता सुख की कमी देखी जाती है। ज्यादातर काम ये अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, यानी अपने लाभ के लिए करते हैं। इसके अलावा शान शौकत में पैसा खर्च करते हैं। ये रोक टोक पसंद नहीं करते हैं। साथ ही साथ इनको माइग्रेन, हड्डी और आंखों की समस्या हो जाती है, मैक्सिमम देखा जाता है। लव मैरिज होने की संभावना थोड़ी कम होती है, ज्यादातर अरेंज मैरिज ही इनको देखा गया है कि 1 नंबर वालों की अरेंज मैरिज होती है। अब बताते हैं मूलांक 1 वालों का करियर, कहाँ कहाँ वो करियर बना सकते हैं या ज्यादा तौर पे कहाँ पाए जाते हैं। तो फोटोग्राफी में, इंटीरियर डिजाइनिंग में, ड्रेस डिजाइनिंग में, रिसर्च में, एस्ट्रोलॉजी में, म्यूजिक में, आर्ट में, एडमिन हेड बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं, सेक्रेटरी बन सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, ये सारी जगहों पर, ये कहीं भी जाएंगे तो लीडर बन के रहेंगे, हेड ऑफ द जो है टीम बन के रहेंगे। तो ये सारी जगहों पर ये काम करते आपको दिख जाते हैं जहां पे दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल हो। अब आपको बताते हैं कि मूलांक 1 वालों को क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला, जैसे मैंने बताया कि लॉर्ड है आपका सन, सूर्य को जल चढ़ाइए। दूसरा, नीले, काले और गहरे रंग का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं, थोड़ा कम ही कीजिएगा लेकिन। तीसरी चीज, लोहे से बनी चीजों का कम इस्तेमाल करना है। चौथी चीज, घर की ईस्ट को यानी घर की पूर्व दिशा को साफ रखना है। पांचवी चीज, खाने के बाद गुड़ का सेवन करना है। तो ये कुछ रेमेडीज हो गए। अब बात करते हैं नंबर 1 वालों के लिए फ्रेंडली प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, यानी उनके मित्र ग्रह कौन कौन से हैं। मून, मार्स और जुपिटर यानी चंद्रमा, मंगल और गुरु फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। और बात करें अगर अनफ्रेंडली प्लैनेट की तो पर्सनैलिटी नंबर 1 वालों के लिए सैटर्न और वीनस यानी शनि और शुक्र अनफ्रेंडली है, तो इनकी रेमेडीज आप कर सकते हैं। बात करें मूलांक 1 वालों के लिए फ्रेंडली नंबर्स की तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 9, ये सारे नंबर्स इनके लिए फ्रेंडली है। और अनफ्रेंडली नंबर की बात करें तो 6 और 8 अनफ्रेंडली नंबर है इनके लिए। पर्सनालिटी नंबर 1 वालों के लिए अच्छे दिन की बात कर ले, शुभ दिन की, तो वो है संडे। कोई भी संडे अगर किसी भी महीने की 1 को, 10 को, 19 को या 28 को है तो आप उस दिन कोई भी अपना नया काम, शुभ काम शुरू कर सकते हैं। लकी कलर की बात करें तो आपके लिए ब्राउन, ऑरेंज, येलो, गोल्डन, आप ये सब कलर अपने आसपास ज्यादा रखें, इन रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करें, आपका लक बूस्ट होगा, आपकी चीजें आपको सपोर्ट करेंगी। और अगर लकी जेमस्टोन की बात करें तो नंबर 1 वालों के लिए लकी जेमस्टोन है रूबी, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि अपने चार्ट के अकॉर्डिंग ही आप जेमस्टोन पहने। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि नंबर 1 वाले कैसे होते हैं, पर्सनालिटी नंबर 1 वाले, और पर्सनालिटी नंबर 1 किसका होता है फिर से बता देती हूँ, जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 को, 10 को, 19 को या 28 को हुआ हो। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। अगर आपका है तो जरूर हमारे द्वारा दी गई इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपके किसी नोन का है तो उस तक शेयर करके पहुंचाइए। तो बहुत ही जल्द मैं आपके लिए पर्सनालिटी नंबर 2 का और बाकी भी वीडियोस लेकर आने वाली हूं, क्योंकि मैं इसमें अब आपके लिए न्यूमरोलॉजी सीरीज चला रही हूं। तो सारी वीडियोस देखने के लिए धर्मा लाइफ को अभी सब्सक्राइब करें। मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।